वेलकम टू आवर फैमिली चैनल फिजिकल एजुकेशन नेट JRF। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इससे पहले भी बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीच, बहुत सारी वीडियोस आपके सामने लेकर आते रहे हैं। विभिन्न दिवसों पर हम आपके सामने कई तरह के प्रोग्राम आपके सामने करते आ रहे हैं। तो आज जो हमारे साथ सर जुड़े हैं, वो बहुत ही उनको परिचय की जरूरत नहीं है। डॉक्टर धर्मेंद्र बालियान सर, जो हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में स्पोर्ट इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही साथ सर पैफी के उत्तराखंड चैप्टर के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज हमारा जो थीम है, न्यू चैलेंजेस न्यू डायरेक्शन, तो इसके लिए हम किस प्रकार से अपने COVID-19 के बाद किस प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्या हमारे सामने न्यू चैलेंज, क्या चुनौतियां होंगी, क्या हमारे सामने दिशाएं होंगी, उससे आप सभी को जो उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके लिए हमारे साथ सर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सर का वेलकम करता हूं अपनी टीम की तरफ से, और मैं सर को आमंत्रित करता हूं कि सर प्लीज आए और हमें अपने स्पीच से ओतप्रोत करें। मैं सब तो जो फिजिकल एजुकेशन नेट JRF के 10 स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का धन्यवाद करता हूं। उनमें आप लोगों ने 5 आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से हैं, दिवाकर कश्यप, धीरज कुमार, आदित्य आनंद, पंकज बालियान, अश्विनी कुमार, और 5 स्टूडेंट जो हैं आप CCR यूनिवर्सिटी मेरठ से, कुमारी शालू सैनी, कुमारी मेघा रानी, कुमारी नेहा सिम्हा, धनपाल सिंह, अभय प्रताप सिंह। बच्चों, आप लोगों ने जो टीम बनाई है, 10 लोगों की टीम है, बहुत अच्छा आपने कॉम्बिनेशन बनाया है। और मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर तो बाद में जाना चाहूंगा, पहले मैं आप लोगों को साधुवाद दूंगा और धन्यवाद दूंगा जो आपने लॉकडाउन के टाइम में फिजिकल एजुकेशन को एक ऐसी दिशा दी है कि COVID-19 के दौरान हम लोग 2 चीजों से त्रस्त थे। एक तो हर व्यक्ति को यह चिंता थी कि खाना कहां से आए, पूरा मार्केट बंद था, मार्केट में सारी चीजें बंद थी, और भारत सरकार ने लोगों को घरों तक खाना पहुंचाया और उनको खाना की व्यवस्था कराई, और पूरे देश के किसानों का धन्यवाद जिन्होंने COVID-19 के टाइम पर भी अपने खेतों में किसानी का कार्य किया और पूरे देश को अन्न प्राप्त कराया। ये बहुत ही खुशी का विषय है कि सब लोगों ने इतनी मेहनत से काम किया, और मैं समझता हूं देश में पूरे कोविड के टाइम में एक भी ऐसी आपको सुनने में समस्या नहीं आई कि कोई भूख से मर गया। अब दूसरा जो रोल शुरू होता है वो होता है फिजिकल एजुकेशन का, जो आप लोगों ने किया है, और आप लोगों ने कि हम खाना तो हमें मिल गया लेकिन हम स्वस्थ कैसे रहे, और स्वस्थ रहने के लिए आपने स्पेशली जो आपके लोगों की 10 लोगों की टीम है, जिन्हें सिर्फ नेट और JRF के लिए नहीं, सिर्फ आपने ये बताया कि हम अगर कहीं ऑनलाइन घर पर बैठे हुए ऑनलाइन सिस्टम से हम शिक्षा ज्ञान प्रकाश कर सकते हैं, ज्ञान का वरदान ले सकते हैं। बच्चे, बिना ज्ञान के हम अंधकार में भटक जाते हैं, और जब हम अंधकार में भटक जाते हैं तो तब हमें हमारे रास्ते ऐसे नहीं होते कि जिसमें हम सफलता की ओर जा सके। लोगों पर मेंटली प्रेशर रहा, लोग एंग्जाइटी में आए, लोगों के रोजगार चले गए, लोगों के पास में रोजगार नहीं थे। ऐसे समय में जो आपने कार्य किया है कि लोगों को शिक्षित करने का, वो भी एक कंपटीशन भी नेट और JRF के लिए, ये आपका एक बड़ा अचीवमेंट, और आपने देश की सेवा की है उस सैनिक की तरह जिस सैनिक ने COVID-19 में सुरक्षा की है, उसी तरह से आपने लोगों का मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग किया है, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का कोरिलेशन किया है। मैं पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने देश सेवा, आपने सिर्फ लोगों को ज्ञान ही नहीं किया, आपने देश सेवा,
ये एक देश सेवा का विषय है। जब देश पर कोई आपदा आती है और आप सकारात्मक सोच लेके देश के फिजिकल के लोगों को इस तरह की शिक्षा देते हैं कि आप आगे कैसे रोजगार प्राप्त करेंगे, तो वो सिर्फ आपकी शिक्षा नहीं, वो देश सेवा में आता है। बाद में मैं दूसरी आपसे जो बात हुई नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे, आज उनका जन्मदिन है, 23 जनवरी को वो जन्मे थे, महान नेता। अब नेता जन्मे हैं और नेता ने कार्य किए हैं, वो भी एक द्वितीय विषय हो जाता है। पहले विषय ये है कि नेताजी ने अपने जीवन में किस तरह से अपने जीवन को अनुशासित किया। नेताजी ने टॉप एजुकेशन ली, विदेशों में जाकर एजुकेशन ली, और उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, और फौज बनाने के पीछे और फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा के साथ साथ दोनों चीजें एक रास्ते से निकलती हैं। अगर आज हम उनसे कुछ ले सकते हैं, आज अगर हम उनसे कुछ पा सकते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य होगा। हम 20 मिनट में लगभग इसको कंप्लीट करेंगे एक एक स्टेप लेते हुए। अगर हम कहीं भी किसी भी चीज को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको शुरू में सबसे पहली बात आती है कि आप कितने अनुशासित हैं। आप अनुशासित हैं, अनुशासन जीवन का कैसे बनाते हैं। अगर आप अनुशासन की बात करें, चाहे JRF का नेट क्लियर करने की बात हो, चाहे शिक्षा लेने की बात हो, या हमें अपना जीवन जीने की बात हो, तो हम लोग इस चीज को अनुशासित का, जब आपकी बॉडी बनी होती है, आपका शरीर है, आपके शरीर सेल्स कोशिकाओं से, टिश्यूज से, आपके मल्टीपल जो ऑर्गन्स हैं उनसे मिलके आपके सिस्टम से, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे आपका नर्वस सिस्टम है, चाहे मस्कुलर सिस्टम है, सारे सिस्टम का एक कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आप दूसरी तरफ जाएं, तो नेताजी ने एक एक चीज को जोड़ा, एक एक सेल को जोड़ा, और एक एक सेल को जोड़ने के साथ उसे फिट किया। जो फिजिकल एजुकेशन का एक दृश्य है कि आप अपनी सेल्स को मेंटेन करेंगे, अगर वो टूट जाएगी तो उसको प्रोटीन देंगे, उसको रिपेयर करेंगे प्रोटीन से, उसी तरह से उन्होंने कहा भाई अगर देश में आजादी लानी है तो हमें सबसे पहले सबकी सहायता लेनी पड़ेगी, और सहायता के साथ में हमें फिट रहना पड़ेगा। उन्होंने आंदोलन नहीं चलाया, उन्होंने सेना बनाई, और वो सेना इस तरह से बनाई कि सबको फिट रहना पड़ेगा। अगर आपने लड़ाई लड़नी है, जीवन में लड़ाई लड़नी है, तो हमें फिट रहना पड़ेगा। उसी तरह से फिजिकल एजुकेशन है, अगर आपने देश का नेतृत्व कर देखता हूं कि वो उस बेरोजगारी की लाइन में खड़े, क्यों नेट जेरफ करने के बाद में भी आप बेरोजगार की लाइन में खड़े, क्यों खड़े? क्योंकि आपने अपने जीवन को अनुशासित नहीं किया। अनुशासित तब है कि जब आपने अपनी पूरे एक एक टिश्यूज को, एक एक सेल्स को, उसको ऑक्सीजन दी है, उसको फिजिकल एक्सरसाइज कराई है, उसको आपने योगा कराया है, उसको आपने प्रॉपर डाइट दी है, आप जो मसल्स आपको सपोर्ट करती है, अपने वॉलेंटरीज मसल्स, इनवॉलेंटरीज मसल्स को थ्रू एक्सरसाइज मेंटेन किया है, और अपने शरीर को अनुशासित बनाया, तो वो जीवन जीने में आनंद आता है, हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है। देखो मैं सेल्स के साथ साथ में अगर आप बिल्डिंग्स को एग्जांपल आप इस तरह से ले, सेना के कैंडिडेट्स की तरह से ले, या एक बिल्डिंग्स की तरह से ले, बिल्डिंग जब बनाते हैं तो हम एक ईंट चुनते हैं, एक पत्थर चुनते हैं, एक सीमेंट चुनते हैं, एक रेत चुनते हैं, और स्टील चुनते हैं। उन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है, हमें डिपेंड होता है, हमने सीमेंट कौन सा लिया है, हमने ईंट कौन सी ली है, हमने लोहा कौन सा इस्तेमाल किया है, और हमारा मैकेनिक मिस्त्री किस तरह का है, ये सारे कॉम्बिनेशन से बिल्डिंग की स्ट्रेंथ पता चलती है। अगर इसको आप थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं, हम अपने जीवन को अनुशासित बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे एक सेकेंड में हमने क्या किया है। आज उसान बोल्ट को अगर आप जानते हो, तो उसान बोल्ट को इसलिए जानते हैं क्योंकि उसने सेकंडों, पॉइंट सेकंडों को ध्यान में रखा। जो आदमी अपने, जो व्यक्ति अपने सेकंड को मैनेज करेगा, उसकी मिनटें मैनेज होगी, और जो मिनटों को मैनेज करेगा,
उनके आवर्स मैनेज होंगे, और जिसके आवर्स मैनेज होंगे उसके डे मैनेज होंगे, और उसके जिसके डे मैनेज होंगे उसके मंथ मैनेज होंगे, और जिसके मंथ मैनेज होंगे उसके ईयर मैनेज होंगे, और जिसके ईयर मैनेज होंगे उसकी लाइफ मैनेज होगी, वो अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। एक छोटी से सेकंड से आप चलेंगे, एक छोटे से माइनर सेकंड से आप चलेंगे। अगर रेडार वाले लोग हैं, अगर आप चमकी करने वाले लोग हैं, आई एम ऑडिबल, चांद पर जाने वाले लोग हैं, चांद पर पहुंचने वाले लोग हैं, कोई रडार बनाने वाले लोग हैं, तो जैसे हमने कहा कि आपने जीवन को मैनेज करना है तो आपने सेकंडों में ध्यान देना होगा। छोटी से छोटी इकाई, अगर आप सेना की बात करते हैं तो सेना के लिए आप सबसे पहले जो आपके सिपाही हैं, सिपाही आपकी ताकत होते हैं। तो ये अनुशासन में अगर आप बिल्डिंग बनाते तो बिल्डिंग बनाने में आपने मेटेरियल क्या लगाया, सेना है जो आपके मल्टी ऑर्गन है वो किस तरह से, क्या मेटेरियल है। तो उसी तरह से अगर हम किसी भी जीवन में कहीं भी अनुशासन चाहते हैं, डिसिप्लिन चाहते हैं, तो डिसिप्लिन बनाने के लिए हमसे हमें सबसे पहले उसकी सबसे छोटी इकाई पर ध्यान देना पड़ेगा। हमने पिछले 10 सेकंड में क्या किया, हमने पिछले 50 सेकंड में क्या किया, और हमने पिछले 1 मिनट में क्या किया, हमने पिछले 10 मिनट में क्या किया, हमने पिछले 1 घंटे में क्या किया, हमने पिछले 10 घंटे में क्या किया, हमने पिछले 1 दिन में क्या किया, और हमने पिछले 10 दिन में क्या किया, और हमने पिछले 1 साल में क्या किया, और हमने पूरे जीवन में क्या किया। इकाई सबसे छोटी इकाई पर आपको जाना पड़ेगा। कहे जीवन का कोई भी टेस्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, लिटरेचर आपके पास, मैं समझता हूँ आप लोगों ने, पूरी टीम ने बहुत अच्छा लिटरेचर, मैं देखता रहता हूँ आप लोगों का, बहुत अच्छा लिटरेचर आपने प्रोवाइड किया है, लेकिन डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, अनुशासित बनाना पड़ेगा। एक व्यक्ति होता है सुबह से, आज मुझे पूरे दिन में ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट करके मुझे रेस्ट करना है। सेकेंड, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, और परसों नहीं कभी नहीं करेंगे। ये बेसिक एक ही तरह की एजुकेशन है, एक ही तरह का ऑनलाइन चैनल है, ऑनलाइन शिक्षा एक तरह से आप लोगों की टीम दे रही है, लेकिन एक बच्चा उसमें से एजुकेशन लेकर नेट क्वालिफाई करता है, और एक बच्चा उसमें से लेकर अपना नेट क्वालिफाई नहीं कर पाता है। व्हाट इज द डिफरेंस? उसका डिसिप्लिन, उसका काम करने का तरीका। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, उन 24 घंटे का आप प्रयोग किस तरह से करते हैं। एक रिक्शा वाला, उसको भी 24 घंटे ईश्वर ने दिए, वही सूर्य दिया है, वही पृथ्वी दी है, वही ऑक्सीजन है, वही सारा लेवल है। और अगर आप देश के या दुनिया के किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की बात, उसके पास भी वो सब कुछ, नेचर ने सबको बराबर जीते हैं, कितने डिसिप्लिन वे में हम उसको रहते हैं, वो आपका अनुशासन है, शारीरिक अनुशासन, मानसिक। अब सब अगर जीवन में आपके अनुशासन बन जाता है, आपने अनुशासन बनाया, आपने सेकंडों पर ध्यान दिया, आपने शरीर की एक एक सेल पर ध्यान दिया, एक एक मसल्स पर ध्यान दिया, एक एक जॉइंट्स पर ध्यान दिया, अपने एक एक ऑर्गन पर ध्यान दिया, एक एक सिस्टम पर ध्यान दिया, तो आप फिट होंगे, फिट होंगे तो ज्यादा लंबे समय कार्य कर सकेंगे, ज्यादा लंबे समय पढ़ सकेंगे, ज्यादा अच्छे लंबे समय स्टडी कर सकेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन है, बारीक बारीक एक एक छोटे छोटे सेंटेंस पे जब आप ध्यान देते हो, नहीं इस ये छूट गया कोई नहीं, उसे वहीं पर, गलती अगर कोई होगी उसे साथ के साथ कर, समय नहीं मिलेगा दोबारा से उसे ठीक करने का। आज मैंने कोई मुझे कोई सेंटेंस मेमोरी नहीं है मेरे, मुझे याद नहीं होता है, उसको वहीं मेमोराइज करो, वहीं पे याद करो उसको, उस पॉइंट्स को वहीं पे निपटाओ, नेक्स्ट को तब शुरू करो,
कोई भी काम एक फाइल खोलते हो उसको वहीं पे क्लोज करो, नेक्स्ट फाइल तब शुरू करो। कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से एक एक यूनिट लो, आप एक सेंटेंस लो, उस सेंटेंस को कंप्लीट करो, दूसरा तब शुरू। आप ये भी खोल देते हो, वो भी खोल देते हो, ये भी खोल देते हो, ये भी शुरू कर देते हो, दस तरफ चलते हो। मैं इसको आपको एक एग्जांपल छोटा सा इसमें देना चाहता हूँ। जैसे आप एक बोतल है, बोतल में पानी भरा हुआ है और उसमें आपने चारों तरफ छेद किए हुए और बोतल का पानी चारों तरफ से निकलता है, उसका प्रेशर, उसका वर्क क्या होगा? और आपने बोतल को पूरा भरा हुआ है और उसका पूरा पानी उसके बोतल के मुंह से निकलता है, तो वो प्रेशर होगा, वो वर्क उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो पूरी बोतल का पानी जगह जगह छेद करके एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, पूरी बोतल का पानी उसके मुंह से निकलना चाहिए और जितने भी छेद हैं आपकी। हमारा क्या होता है कि जब हम अनुशासन जीने की बात करते हैं तो अनुशासन जीने में, अनुशासन बनाने में, अनुशासित करने में हमारा मन इतना चंचल होता है, वो बार बार भटकता रहता है। अभी हम ये सोचेंगे तो अभी मुझे ये करना है, अभी ये करना है, तो आपका सबसे पहला इस पे एक क्वेश्चन और आएगा, सर हम इसको मन को मैनेज कैसे करें, इसको अनुशासित कैसे करें। अनुशासित करने के लिए आपको उसके बारे में जानना होगा, जिसे आप डील करना चाहते हैं, जिसे कंट्रोल करना चाहते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, आप बॉडी कोऑर्डिनेशन आपका कैसे होगा, आपका शरीर का और मन का या दिमाग का या मस्तिष्क का तालमेल कैसे, वो कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। अनुशासन में आपका बॉडी जब आप मस्तिष्क से काम लेंगे, वो एक शरीर के साथ में सर वो ब्रेक हो रही है आपकी। उन सिग्नल को आपको पहचानना, I am audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो आपको वो सारा का सारा कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, उसको अनुशासित बनाना पड़ेगा। और जब आप अनुशासित बनाते हैं तब आप सफलता की ओर जाते हैं। अब मैं आपको मन में अनुशासन की बात करते हैं तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, वर्ड्स, शब्द जो आप बोलते हैं वही आपके जीवन में होता है। जो भी आप बोलेंगे वही आपके जीवन में होगा, क्योंकि ये प्रकृति आप भगवान के द्वारा दी गई सबसे सुंदर मूर्त है। और जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं वो आपको देता है। जिन शब्दों से, बिना बोले जो शब्द आप सोचते हैं, जो बोलते हैं, वही आपको रिवर्ट होते हैं। वो हो सकता है उसको मिलने में कुछ समय लग जाए, लेकिन मिलेंगे वही। आप पुरानी अपने प्रीवियस जीवन में भी अगर देखें तो आपको वही चीज मिलेगी जो आपने ईश्वर से मांगी। आप कहते हो अरे ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, आप नहीं कर पाते। आप कहते हो ये मैं कर पाऊंगा, ये मैं कर लूंगा, ये मैं करके दिखाऊंगा, वो होता है। तो शब्दों पर कुछ भी बोलने से पहले इस चीज पर ध्यान रखो कि आप बोल क्या रहे हैं। जो भी आप बोलोगे वही आपके जीवन में होगा। शब्दों पर अपना नियंत्रण रखो और वो शब्द बोलो जो आपको करना है, जो जीवन में चाहते हैं उसको बार बार बोलो, बार ज्यादा से ज्यादा बार बोलो। लोगों को बोलो कोई मुझे नेट क्वालिफाई करना है, मुझे GRF क्वालिफाई करना है, मैं करूंगा। उसको लक्ष्य बनाओ, परम उद्देश्य बनाओ, उसको बार बार बोलो और लोगों को बताओ कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है।
जब तक आप अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे आप नहीं कर पाएंगे, आपका मिशन नहीं बन पाएगा। ओके डियर, बहुत सारी चीजें हैं, मैं समझता हूं कभी फिर दोबारा से मौका मिलेगा तो इस बारे में बहुत सारी बातें की जाएगी। मैंने जो बातें बताई उन चीजों को आप अपने जीवन में अनुशासित कीजिए, अपने जीवन में उतार कर देखिए, और कभी भी आपका मेंटल लेवल, आपका मानसिक रूप से, आप कभी भी लगे आप तनाव में हैं, आपको लगे कि आप डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में, अपनी शरीर की स्थिति बदल दीजिए, आपकी मन की स्थिति बदल जाएगी। एक एक्सरसाइज कीजिए, एक डीप ब्रीथिंग कीजिए, एक अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, एक सूर्य भेदी प्राणायाम कीजिए, एक कपालभाति कीजिए, और आपकी मन की स्थिति बदल जाएगी। थैंक यू पूरी टीम का, इस टीम ने मुझे यहां पर इन्वाइट किया, पूरे सभी लोगों ने जो कोविड 19 में जो ये देश सेवा का काम किया है, मैं समझता हूं इससे अच्छा कार्य कुछ नहीं होता। ज्ञान प्रकाश दोनों एक ही स्वरूप है, सूर्य हमें प्रकाश देता है और प्रकाश ज्ञान का स्वरूप है, और आपने ऑनलाइन के माध्यम से ये पूरी 10 के 10 जो हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो CCRD के स्टूडेंट हैं, चाहे वो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, एक बहुत अच्छी टीम, उन सब लोगों ने इस कोविड 19 के टाइम में ऑनलाइन एग्जाम कंपटीशन के लिए जो आपको जागरूक किया है और आपके घर पर बैठे शिक्षा दी है, तो मैं उन्हें आपका जो ये इतना अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं मेरी शुभकामनाएं हैं। और जब भी आप मुझे आमंत्रित करेंगे किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी विषय को लेकर, मैं आपके बीच में जरूर आऊंगा। और आज पुनः आपको 23 जनवरी पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो भारत सरकार ने पराक्रम दिवस, पराक्रम वीरता, जिस युवा के मन में निराशा होती है आशा का ये किरण, वो सब चीजें नेताजी ने हमको बताई हैं, और उन नेताजी के मार्गदर्शन में किस किस तरह से उन्होंने अपनी आजाद हिंद फौज बनाई और कैसे अंग्रेजों को भगाया, उस तरह से हमें अपने शरीर को, अपने आप को की आजाद हिंद फौज बनानी है, अपने आप को हमें आजाद करना है अपनी उस गुलामी मानसिकता से जो हम कहते हैं हम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, बस आपको बोलना वो होगा, आपको सोचना वो होगा, वो ही आप कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। सर ने जो हमें आशीर्वाद रूपी बातें आज बताई, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे टीम के मेंबर्स हैं, सभी को सर ने आज मोटिवेट किया, तो मैं सर का दोबारा से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सर हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।